नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। नरसेवा ही नारायण सेवा है के मकसद के साथ कुचामन के सामाजिक संस्था कुचामन विकास समिति अगले कुछ दिनों में घर घर भोजन योजना के तहत जरूरतमंदों को घर तक रोजाना निःशुल्क भोजन पहुंचाएगी। कुचामन विकास समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश काबरा और सचिव बनवारीलाल मोर ने बताया कि संस्था की साधारण सभा की बैठक में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ है और अब शहर के जरूरतमंदों जिन्हें वास्तव में भोजन की आवश्यकता है उनकी सूचना जुटाई जा रही है। इस मौके पर ओम प्रकाश काबरा ने कुचामन शहर के जनप्रतिनिधियों शहरवासियों से अपील भी की कि अगर उनके आसपास इस तरह के ज़रूरतमंद लोग जिनके घर में कोई कमाने वाला ना हो या खाना बनाने वाला ना हो, दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो या विधवा हो, तो इसकी सूचना संस्था तक पहुंचाएं ताकि योजना के जरिए उनको भी भोजन पहुंचाया जा सके। उन्होंने बताया कि मौसम चाहे जैसा भी हो, संस्था की ओर से रोज़ कुचामन के ज़रूरतमंदों के बीच दोनों समय का भोजन पहुंचाया जाएगा। कुचामन विकास समिति का मकसद यही है कि कोई भी व्यक्ति कुचामन शहर में भूखा ना रहे। क्या अपील इस मौके पर आप लोगों को करना चाहेंगे, कौन इसके पात्र होंगे? देखिए, पिछले समय हमारी कुचामन विकास समिति की साधारण सभा की मीटिंग हुई थी और उसमें तय किया गया कि विकास समिति अब शिक्षा के साथ साथ सेवा के इस तरह के प्रोजेक्ट ले जिससे कुचामन शहर में इस तरह के व्यक्ति जो अपना एकांकी जीवन जी रहे हैं, जिनके घर परिवार में कोई भोजन बनाने वाला नहीं है या कमाने वाला नहीं है, तो इस तरह के पात्र लोगों का चयन करके और उनके घर पर दोनों समय शुद्ध शाकाहारी भोजन टिफिन के द्वारा पहुंचाए ताकि उन लोगों को अपना जीवन यापन वृद्धावस्था में कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए हमने शहर के जनप्रतिनिधियों, हमारे समिति के मेंबर्स और सभी दोस्तों से अपील की है कि अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में इस तरह के परिवार का, इस तरह के व्यक्तियों का चयन करें जो अकेले रहते हों, जिनके भोजन की व्यवस्था नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है, बच्चे नहीं हैं उनके, तो उनको समिति के द्वारा रोजाना दोनों समय टिफिन के द्वारा डिलीवरी बॉय से उनको भोजन पहुंचाया जाए और हफ्ते में एक बार उनको टिफिन में मिठाई भी भिजवाई जाए। इस तरह की योजना के लिए प्रवासी बंधुओं का और शहर के लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आर्थिक की कहीं भी कमी नहीं है, सब लोग इसमें अपना योगदान भी देना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये योजना उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी जो आज इस कठिनाई में भोजन के बगैर, भोजन की दिक्कत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं।